आप सबका स्वागत है मेरे घर में। बता दिएगा, ये है हमारे घर का गोलू। कल मैंने सिर्फ स्टेप्स दिखाए थे, आज ये सच गए हैं। तो आप सबका स्वागत है मेरे घर पे, आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहले स्टेज में ये बालाजी हैं, तिरुपति वेंकटाचलपति बोलते हैं। बीच में लक्ष्मी माता है, ये गणेश जी हैं, ये शिव जी और विष्णु जी आधे आधे ऐसे हैं। कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे हैं। इस तरफ विष्णु जी पार्वती और शिव जी का शादी करा रहे हैं, कन्यादान कर रहे हैं। ये है नीचे गणेश जी हैं, इधर मेरी बेटी ने जो गणेश चतुर्थी में बनाया था गणेश जी, वो उनको भी बिठाया हुआ है। सेकंड जो स्टेयर्स है उसमें ये गणेश जी और कार्तिक भगवान हैं, ये दोनों भाई हैं तो इकट्ठा रखा हुआ है। ये कामधेनु है, ये बीच में जो है ब्लैक कलर में वो शिव जी हैं, बीच में मदुरई की मीनाक्षी माता हैं, और दोनों साइड में कार्तिक भगवान और गणेश जी हैं, पूजा कर रहे हैं अपने मम्मी पापा की। इस साइड में एक पेड़ है, पेड़ के नीचे गणेश जी का मूर्ति है और मूषक राज है, और ये फैमिली है, पापा बच्चे और ये मम्मी ये प्रे कर रहे हैं, और इनका छोटा सा घर है ऐसे हमने सजाया हुआ है। थर्ड स्टेप्स में आएंगे तो ये गणेश जी हैं, ये मैंने बनाया था क्ले से, और ये एक स्टोरी है। ये स्टोरी क्या है, व्यास जी एक बार ऐसे ही जा रहे थे तो कावेरी नदी उनको ध्यान दिए बिना अपने मग्न में थी, तो उनको बहुत गुस्सा आ गया, तो उन्होंने अपने कुंटल में पूरे कावेरी रिवर को भर लिया। इससे पूरे जगह पे, मतलब हर जगह खेती बाड़ी नहीं हो पाई, तो सूखा पड़ गया। तो सब लोगों ने गणेश जी से प्रे किया कि उनकी मदद करें, तो गणेश जी कौवा बन के आए और उस कलश को गिरा दिया और वो पानी बहने लग गई फिर से, इसीलिए इस रिवर का नाम कावेरी भी पड़ा है। ये सरस्वती माता है बीच में, ये मदुरई मीनाक्षी हैं, इनके हाथ में पैरट भी रखा हुआ है, और ये बाला त्रिपुर सुंदरी है, इसके पीछे भी एक स्टोरी है मैं बताती हूँ। ये बालाम्बिगई है, ये लास्ट ईयर ही मैंने खरीदा था, एक स्टोरी है इसके पीछे। मेरा नाम भी बाला है, जिस दिन मैं पैदा हुई थी उस दिन सुबह मेरे पापा ये बाला माता जी का तस्वीर लेके आए थे घर, और शाम को मैं पैदा हो गई, इसीलिए मेरा नाम बाला रखा गया। अब आएंगे हम फोर्थ स्टेप्स में। फोर्थ स्टेप में यहाँ पे गणेश जी बाजा बजा रहे हैं, हारमोनियम बजा रहे हैं, उसके साथ ये एनिमल्स भी एक एक बाजा बजा रहे हैं, शेर हाथी सब है यहाँ पे, ये सब बैठ के बाजा बजा रहे हैं, ऐसे रखा हुआ है। और फोर्थ स्टेप के इस तरफ आएंगे तो यहाँ पे एक सफेरा है जो बीन बजा रहा है, और वहां से सांप निकल के आया है, वो पकड़ के ले जाने के लिए आया हुआ है, ऐसे दिखाया हुआ है। ये जो है लास्ट में, इसको कहते हैं मरपाची बोम्मई, ये वुडन बोम्मई है, बोम्मई मतलब डॉल, वुडन डॉल होता है ये, हमारे साउथ में बहुत फेमस है, तो ये यहाँ पे रखा हुआ है इनको सजा के। यहाँ सरदार सरदारनी है,
इनके सिर हिलते हैं ऐसे, जब पंखा चलता है तो हिलते रहते हैं। और यहाँ पे सेठ सेठानी हैं, ये लोग फ्रूट्स बेच रहे हैं, ऐसे रखा हुआ है। ये जो एक के अंदर एक डालते हैं वो वाला डॉल सेट है, जिसमें राम जी हैं, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी हैं। पीछे ये शेल से बना हुआ एक डॉल है जो फ्रूट्स वगैरह बेच रही है। ये डॉल भी ये डॉल है ये भी इनके भी सिर हिलते हैं। ये हमने एक एग्जीबिशन में खरीदा था। और ये राजा जा रहे हैं हाथी में बैठ के, और सिपाही लोग आगे पीछे जा रहे हैं, ऐसा रखा हुआ है। तो हर साल हम लोग कुछ नया लेके आते हैं और उसको डिफरेंट क्रिएट करते हैं। ये 9 दिन हम इन लोगों की पूजा करते हैं। पूजा में प्रसाद के रूप में सुंडल बनता है। सुंडल आप लोगों को तो पता ही होगा, अभी मैंने गणेश चतुर्थी में दिखाया था, आज भी मैंने सुंडल बनाया है। आज मैंने काबुली चना का सुंडल बनाया है। एक एक दिन एक एक दाल का सुंडल बनता है। हम इसमें स्वीट्स वगैरह भी बना सकते हैं, सुंडल में भी स्वीट सुंडल बनता है। ये तांबूल रखा हुआ है जो हम बुलाते हैं घर पे, लेडीज सुहागनों को, बच्चों को बुलाते हैं, लड़कियों को, और उन सबको देने के लिए तांबूल रखा हुआ है यहाँ पे। इसमें पान का पत्ता है, सुपारी है, और ये हल्दी कुमकुम है, और ये भी हल्दी है। तो ये सब रख के, फ्रूट्स रख के, नारियल रख के हम तांबूल देते हैं, बुलाते हैं फिर तांबूल देते हैं। सबसे मेन चीज होती है वो होती है ये चंदन जो आप देख रहे हैं, और कुमकुम। कुमकुम मैंने इसमें डाल के रखा हुआ है, ये मेरे को बहुत पसंद आया था, मैंने चेन्नई से खरीदा था। तो हम किसी के घर जाते हैं या उनको बुलाते हैं तो कुमकुम दे के बुलाते हैं। ये यहाँ पे रखा हुआ है और दिया जला रहा है। हमारा अखंड दीप वगैरह नहीं होता है, रोज सुबह शाम जलाते हैं, वो ही होता है। तो सुंडल को अभी हम नैवेद्य करेंगे, भगवान को चढ़ाएंगे, और फिर जो भी घर आता है उनको प्रसाद के रूप में देते हैं। तो चलिए पूजा करते हैं। चलिए पूजा करते हैं। सुंडल रखा हुआ है, आज की हमारी पूजा खत्म हुई, हमने नैवेद्यम कर दिया प्रसाद का। अब हम प्रसाद भगवान को नमस्कार करके प्रसाद बांटेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही सजाया है मैंने, कल जो स्टैंड दिखाया था आपको उसमें दोनों तरफ कलश की लाइट जल रही है। ये मैंने अमेजोन से खरीदा था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हम लोग हर साल कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं और उसमें ऐड ऑन करते हैं, तो स्टोरी या कुछ अलग चीज़ हो जाती है। इसीलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। कमेंट करके बताइएगा आपको कौन सी चीज़ बहुत अच्छी लगी, कौन सी स्टोरी या कौन सा डॉल आपको बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप बताएंगे तो। और रोज़ मेरे घर आइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा पसंद आता है तो। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।